6 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब ने संविधान में अमीर गरीब छोटे बड़े सभी के लिए एक वोट का प्राविधान दिया, गरीबों अनुसूचित जाति और पिछड़े को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया। उनके प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन दर्शन पर चर्चा की गई, साथ ही सभी को उनके जीवन के बारे में बताया गया। बीएसपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में मौजूद महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी, ब्रजलाल जाटव, प्रेम बाबू बाल्मीकि, सौरभ रत्नाकर, मनीष जाटव, संजीव चौधरी, सुनीता सिंह, दीपक बिश्नोई, अतिकुर रहमान, लुकमान खान, कुलदीप यादव, विवेक चौहान, तरुण कुमार, नाजिरांसी, नीलू जाटव, अजय जाटव, राहुल जाटव, सुरजीत सिंह, महेंद्र, संजीव, सोनू, मुकेश कुमार, महेंद्र सिंह चौधरी, इस्माइल खान आदि लोगों ने भाग लिया। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी। बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे इंसान थे जो कि एक पुरुष या महापुरुष उन्हें कहा जाए, जैसे कि उन्होंने हिंदुस्तान का आइन लिखा और उसमें सभी धर्मों को सभी वर्गों को बराबर का सम्मान दिया और सभी को एक समान वोट का अधिकार। जिस तरह से बाबा साहब ने इस संविधान को हमारे लिखा, हिंदुस्तान का संविधान लिखने में उनका बड़ा योगदान है, हिंदुस्तान उन्हीं के आदर्शों पर चलता है, तो बाबा साहब का हम बहुत बहुत उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और उनके सम्मान के साथ उनको ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान को बाबा साहब से सीख लेनी चाहिए और बिल्कुल इसी तरह ईमानदारी से काम करना। देखिए, आज बाबा साहब का हम श्रद्धांजलि सभा के लिए हैं, इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब ने देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए और उस वर्ग के लिए जो शिक्षा से वंचित था, पढ़ने का मौका नहीं देते थे, काम करना मौका नहीं देते थे, समाज में बराबरी का मामला नहीं, उन सब के लिए बहुत संघर्ष किया, जागरूक किया है और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम कायम किया है। हम बाबा साहब को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।